हेलो बच्चों कैसे हो आप सब वेलकम बैक टू आवर चैनल माय नेम इज़ प्रिया और आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी आज के लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे अभी तक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में क्या क्या डिस्कशन करी है सबसे पहले हमने उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करी थी कि वो एक्चुअल में किस तरीके का मॉलिक्यूल होता है उसमें कार्बोनल ग्रुप के साथ साथ एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की भी प्रेजेंस होती है क्योंकि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है वो होता है हमारे पास सी ओ ओ एच जिसमें ये सी ओ तो हमारा कार्बोनिल है और ये हमारा हाइड्रोक्सिल है और इसी वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल के जो ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप तो यहां पर हमने इसको सेपरेट कैटेगरी में इसी रीजन की वजह से स्टडी करा था फर्दर हमने इसका नॉमन डिस्कस करा था और इसके फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करा था जिसमें हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर को समझा था कि किस तरीके से हमें ये एलडीहाइट्स और कीटोन से डिफरेंट ऑब्जर्व होता है नेक्स्ट हमने इसकी प्रिपरेशन को कवर किया था कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है और जब भी हमारे सामने वर्ड प्रॉपर्टीज आता है तो हमारे माइंड में सीधी एक चीज स्ट्राइक करती है कि प्रॉपर्टी तो फिजिकल हो सकती है और केमिकल हो सकती है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज़ हैं जहां पर हम मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी उसके कंपाउंड में चेंज ऑब्जर्व नहीं कर रहे ओवरऑल अगर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन से क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट हमें ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती हैं वो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करते हैं वहीं अगर हम कोई केमिकल प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं तो उस केस में कोई ना कोई रिएक्शन इन्वॉल्व होती है जिससे हमारे मॉलिक्यूल का ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करने लग जाता है सो so, इस वजह से जब हम इस तरीके से कोई स्ट्रक्चरल चेंज आस्पेक्ट को स्टडी करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डायरेक्ट लिंक केमिकल रिएक्शंस के साथ है तो यहाँ ओवरऑल जो हमारे डिस्कशन है उससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि यहाँ हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करना है हम हमेशा केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज को केमिकल रिएक्शन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब चेंज इन बिहेवियर और वो चेंज कैसे पता लगता है हमें हमारी केमिकल रिएक्शंस की वजह से सो लेट्स बिगिन विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहां पर हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे पर कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल को अभी आप भूल जाओ कुछ टाइम के लिए आप ये सोचो कि जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन करा जाता है कि आपको किसी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है तो आप क्या क्या डिस्कशन स्टार्ट करते हो आप किस चीज से स्टार्ट करोगे अपनी ऑब्जर्वेशन सबसे आप बोल, सबसे पहले आप बोलोगे की फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि मॉलिक्यूल को देख मुझे क्या समझ में आ रहा है तो अगर हम मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर दे तो उससे हमें उसकी स्टेट पता लगती है उस मॉलिक्यूल को थोड़ा और क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें उसकी ऑर्डर पता लगेगी कि वो जो मॉलिक्यूल है वो ऑर्डर लेस है या उसमें कोई ऑर्डर है कोई प्लेजेंट ऑर्डर है या फिर एक अनप्लेजेंट ऑर्डर है फिर फर्दर हम उसके अंदर और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम उसके अंदर उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं हम उसकी सॉलिबिलिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि सॉलिबिलिटी के टाइम पर भी हम लोग जब उसकी सॉलिबिलिटी ऑब्जर्व करेंगे तो उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा हमें बस उसकी सॉलिबिलिटी ऑब्जर्व करनी होती है तो यही कुछ हम जनरल डिस्कशन करते हैं हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के टाइम पे तो बस इसी जनरल डिस्कशन को हमें हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए भी यूज़ करना है तो जैसे हम यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे बिल्कुल सिमिलर तरीके से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए भी सेम चीज़ें ऑब्जर्व करनी है तो सबसे पहले जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के स्टेट की बात करते हैं तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है कुछ लेसन कार्बन आइटम के मॉलिक्यूल्स में क्लासिफाइड होते हैं कुछ हायर कार्बन आइटम्स में क्योंकि जब भी हम मॉलिक्यूल्स देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स हमारे कार्बन कार्बन के कनेक्शन से बनते हैं जिसमें कोई ना कोई आपका फंक्शनल ग्रुप है लेट से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो ऐसे मॉलिक्यूल में जब आपका ये ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो चेंज ऑब्जर्व होता है वो हमें इस कार्बन की चेंज में मिल, चेन में मिलता है तो इसका मतलब है कि अगर आपकी कार्बन की चेन में ही कुछ चेंजेस आएंगे तो उससे आप ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर भी चेंजेस को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्वेशन पर आते हैं कि जब हम मॉलिक्यूल के स्टेट को डिस्कस करते हैं तो जो आपके लेसर कार्बन आइटम वाला मॉलिक्यूल होता है यानी आप ये कह सकते हो कि आपके सेवन टू एट कार्बन आइटम वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कार्बन आइटम वाले मॉलिक्यूल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के यूजुअली कलरलेस होते हैं और प्लस इनके अंदर आपको लिक्विड स्टेट ये ऑब्जर्व होती है यानी यहाँ पर हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि ये कलरलेस होते हैं और प्लस लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं वहीं अगर हम थोड़े से हायर स्टेट की तरफ जाएंगे यानी थोड़े हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर मूव करते हैं लेट से लेट से हमने 12 टू 13 कार्बन एटम्स कंसीडर कर लिए तो वहां पर क्या होगा आपके पास ये जो लिक्विड स्टेट है ना धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने की कोशिश करेगी तो पहले वो वैक्स स्टेट में ऑब्जर्व होगी और जैसे जैसे और फर्दर हम आगे मूव करेंगे वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने लगेगी तो इसका मतलब है कि स्टेट कैसे चेंज हो रही है जब उसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन आइटम है तो वो लिक्विड फॉर्म में है फिर जैसे उसके अंदर थोड़े कार्बन आइटम इंक्रीज होते हैं वो वैक्स फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है वैक्स में आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों एक साथ ही आ जाते हैं मतलब थोड़ा सा लिक्विड ही सॉलिड सा मिक्सर होता है फिर जैसे जैसे वो फर्दर और ज्यादा आप हायर कार्बन आइटम्स की तरफ मूव करते हो तो वो सॉलिड स्टेट में एक्सिस्ट अपनी एग्जिस्टेंस शो करता है तो ये तो हमारा स्टेट का हो गया वहीं अगर हम कलर को ऑब्जर्व करेंगे तो आपका जो लेसर नंबर ऑफ कार्बन आइटम वाला मॉलिक्यूल है वो कलरलेस होता है और जैसे जैसे हम हायर कार्बन आइटम की तरफ मूव करते हैं तो कलर में हमें ऐसा से जितना चेंज ऑब्जर्व नहीं होता थोड़ा सा वो ग्रीनिश येलोइ सा कलर ऑब्जर्व होने लग जाता है वो भी उसके डिफरेंट डिफरेंट एसिडिक बिहेवियर की वजह से तो यहाँ पर कलर में हमें ऐसा से जितना कुछ चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा तो कलर ऐसी एक सिग्निफिकेंट फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है जो डिफ्रेंशिएट कर सके मॉलिक्यूल्स को फिर फर्दर हम इसके अगर ऑर्डर को डिस्कस करते हैं तो जब हम स्मॉलर कार्बन आइटम वाले मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हैं थोड़े जो स्मॉलर हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे काफी अनप्लेजेंट ऑर्डर शो करते हैं यानी कि इनके अंदर आपको प्लेजेंट ऑर्डर नहीं आती यूजुअली इन मॉलिक्यूल्स को जब हम यूज करते हैं हमारी केमिकल रिएक्शन में तो इन ऑर्डर्स को हम जनरली क्या कर नहीं पाते रजिस्ट नहीं कर पाते तो इसके लिए हमें यूजुअली अपने मास्क वगैरह यूज करने पड़ते हैं तो ये इनका अनप्लेजेंट ऑर्डर ये रीजन है इसका फर्दर जब हम हायर कार्बन आइटम्स की तरफ मूव करते हैं तो जो इनका ऑर्डर है वो आपको प्लेजेंट एज सच कुछ फील नहीं होगा बट यहाँ पर ऑर्डरलेस बिहेवियर आने लग जाता है यानी यहाँ पर आपको कोई ऑर्डर ही नहीं आती तो इसका मतलब है कि जब हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स की बात करते तो वहाँ अनप्लेजेंट ऑर्डर है और वहीं अगर कुछ हायर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स ऑर्डरलेस हो जाते हैं तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने अभी डिस्कस करी जिसमें हमने स्टेट कलर और ऑर्डर की डिस्कशन करी है अब यहाँ पर आपको ये ऑर्डरलेस का थोड़ा सा और एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑर्डरलेस हमें क्यों ऑब्जर्व होता है क्योंकि ये ना बहुत जल्दी इवेपोराइज हो जाते हैं बिकॉज इनका ना वॉलीटैलिटी इंक्रीज हो जाती है जिस वजह से हमें इनके जो वेपर्स है ना यूजुअली फील ही नहीं होते कि हम ऑर्डर उनका ऑब्जर्व कर सकें तो ये हमारे ऑर्डर order और ऑर्डरलेस बिहेवियर के बारे में था अब हम इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ मूव करते हैं आपकी एनसीआरटी में बॉइलिंग पॉइंट की डिस्कशन है तो हम उसी प्रॉपर्टी को यहां पर इंक्लूड करेंगे तो हम जब बॉयलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का तो हम क्या करते हैं हम अपने मॉलिक्यूल का कंपेरिजन करते हैं क्योंकि पीछे हमने जितने मॉलिक्यूल्स डिस्कस करें चाहे हमने प्रीवियस चैप्टर में एल्कोहल्स फिनॉल्स को डिस्कस करा है या फिर हमने अभी इसी चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन्स की डिस्कशन करी है हमने हर एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी ना किसी मॉलिक्यूल के साथ कंपैरिजन को स्टडी करा है तो यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए हमें इसके कंपेरिजन को डिस्कस करना पड़ेगा दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ तो यहाँ पर जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं विच इज सी और फर्दर और मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं लेट से एल्कोहल या एल कंसीडर करेंगे या फिर अगर कीटोन कंसीडर करते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें कंपेयर करके बताना है कि हमारा जो एसिडिक बिहेवियर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या वो इनका इसका बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज़्यादा है कहीं इनके बीच में कर रहा है या इन सबसे कम है तो वो डिस्कशन हमें इनकी इंटरेक्शन से पता लगेगा क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जब भी हम मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं तो हमें मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन्स को डिस्कस करना होता है खुद अपने मॉलिक्यूल के साथ भी यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस भी और अगर वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल यानी अपने जैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर डिस्कशन इंटरेक्शन कर रहा है उसके साथ भी देखना पड़ता है या सॉल्वेंट के साथ कुछ इंटरेक्शन कर रहा है वो भी ऑब्जर्व करनी पड़ती है क्योंकि जब तक हम उस इंटरेक्शन को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक वो वेपराइज नहीं होंगे और वेपराइज होंगे नहीं तो हमें बॉइलिंग पॉइंट की ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगी तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट और सोलिबिलिटी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए हमें इंटरेक्शन वाले एस्पेक्ट को डील करना पड़ेगा तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की इंटरेक्शन को ही डिस्कस करते हैं फर्दर हम कंपेयर करेंगे तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो ये मॉलिक्यूल इस तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस शो करता है जिस मॉलिक्यूल में आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की प्रेजेंस है विच इज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की भी प्रेजेंस है तो यहाँ पर क्या होगा अगर आपके सामने कोई और ऐसा कोई मॉलिक्यूल आएगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल होगा तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या ऑब्जर्व होगी आपको यहाँ पर इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगी जिसमें इस तरीके से आपको यूजुअली डाइमर फॉर्मेशन मिलेगी

अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना होगा तभी हम इसको बॉयल कर पाएंगे क्योंकि तभी तो हम इसके बॉइलिंग पॉइंट को ऑब्जर्व कर पाएंगे जब तक ये ब्रेक होगी नहीं तब तक आपके मॉलिक्यूल्स वेपराइज नहीं होंगे तो जब हम इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाकी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन इसकी जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो बाकी मॉलिक्यूल्स के कम्पेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है अगर हम इसे बॉयल भी करते हैं इनकी इंटरेक्शन ब्रेक करके भी इसको फर्दर बॉयल करते हैं तो बहुत सारे आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो डाइमर फॉर्म में ही बॉयल हो रहे हैं यानी वो वेपर फेज में भी अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो इसका मतलब है कि इसकी जो हाइड्रोजन इंटरेक्शन है इनको ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट है। आपको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तभी आप इनकी इंटरेक्शन को ब्रेक कर पाओगे और वही चीज़ अगर हम किसी या के अंदर ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां भी ऑब्जर्व हो रही थी जिसमें हमने देखा था कि अल्कोहल्स के अंदर एल्डीरिजन में काफी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें ऑब्जर्व होती है तो लेकिन यहाँ पर जब हम इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि एल्कोहल्स की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ ना कुछ आस्पेक्ट में थोड़ी वीक पड़ जाती है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना वो वेपर फॉर्म में भी एक्जिस्टेंस शो करती है तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स को बाकी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कंपेयर करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स का सबसे ज्यादा मिलता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन और इनकी स्ट्रेंथ जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो काफी ज्यादा होती है क्योंकि वो वेपर फॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं तो ये तो हमारी कुछ डिस्कशन हो गई बॉइलिंग पॉइंट को लेकर अब बॉयलिंग पॉइंट की जो हमारी फर्दर कंपेरिजन है जो इन मॉलिक्यूल्स का ये हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर और प्रीवियस हमारे लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं जहां पर हमने एल्कोहल एल फिनॉल्स कीटून्स हाइड्रोकार्बन्स ईथर्स सबको आपस में कंपेयर करा हुआ है तो उसी कंपेरिजन को आप यूज करोगे और उस कंपेरिजन में सबसे आगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स को प्लेस करोगे यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी पीछे वाली नॉलेज को एसड यूज करना है बस सबसे आगे कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करना है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स योर सोलिबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टी तो जब हम सोलिबिलिटी को डिस्कस करते हैं तो सॉलिबिलिटी का मतलब है कि कितना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है उसे हम सॉलिबिलिटी बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हो तो शुगर सोल्यूशन में क्या होता है आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर होता है इस वाटर के अंदर आप ऊपर से शुगर ऐड करते जाते हो तो ये जो आप शुगर ऐड कर रहे हो कितना आपका आप शुगर इसमें डिजोल्व कर पा रहे हो वो उसकी सॉलिबिलिटी बताता है यानी आप ये भी बोल सकते हो कि जब हम शुगर का एक स्पून डिजोल्व करते हो तो पूरे तरीके से डिजोल्व हो जाते हैं तो इसका मतलब है शुगर की सोलिबिलिटी वाटर में काफी अच्छी है तो यहाँ से हमें उसकी सॉलिबिलिटी का पता लगता है फर्दर हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिबिलिटी भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक होती है क्योंकि हम बार बार एक लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर उसमें ऐड करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब हमारी शुगर डिजोल्व नहीं होगी और उसे हम सैचुरेशन स्टेज बोलते हैं इसे हम प्रीवियस चैप्टर्स यानी सोल्यूशन में डिस्कस कर चुके हैं इस आस्पेक्ट को यहाँ मैं बस आपको थोड़ा सा सॉलिबिलिटी के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि सॉलिबिलिटी क्या चीज़ है पर जब हम इन्हें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर डिस्कस करते हैं तो उस केस में हमारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी में थोड़ा सा चेंजेस आने लग जाते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंस होने लग जाती है क्यों डिपेंडेंस होती है क्योंकि जब भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है एक सोल्यूशन की परफॉर्मेशन होती है तो इस सोल्यूशन के अंदर हम ये बता पाते हैं कि हमारा जो ये सॉल्यूट है इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है तभी आप उसकी सॉल्युबिलिटी बता पाओगे तो यहां पर जब हम इसके आस्पेक्ट को देखते हैं तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई पोलर सॉल्यूट होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में काफी अच्छी सॉल्युबिलिटी शो करेगा अगर कोई नॉन पोलर सॉल्यूट होगा तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में काफ़ी अच्छी सोलबिलिटी शो करेगा क्योंकि हमें पता है लाइक डिजोल्व लाइक तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता लग गई कि हमारे पास अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा तो जो हम यूनिवर्सली पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं विच इज़ वाटर उसमें वो ईजिली डिजोल्व हो जाएगा अब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करा हुआ है जिसमें हमने एक्सप्लेन करके ये बताया था कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल होता है विच इज सी ओ एच oh, ये पोलर नेचर का है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की डेवलपमेंट है चाहे इसकी पोलैरिटी एल के कंपैरिजन में कम हो बट यहाँ पर ये पोलर नेचर का है कुछ तो पोलैरिटी इसमें एग्जिस्ट कर ही रही है तो इसका मतलब है कि इसके साथ जो वाटर की सॉलिबिलिटी यानी जो वाटर के अंदर इसकी सॉलिबिलिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी आनी चाहिए क्योंकि ये क्या है पोलर सॉल्वेंट है पर जब हम इसकी सॉल्युबिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यह पता लगता है कि जो स्मॉलर कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपके पास थ्री टू फोर कार्बन आइटम के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो आपके ईजीली डिजोल्व हो जाते हैं ईजिली डिजोल्व इन वाटर और ये इजिली डिजोल्व क्यों होते हैं वाटर के अंदर क्योंकि हमारे पास क्या है जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो करता है किस तरीके से आपके पास इस तरीके से आपको यहाँ पर ये इंटरेक्शन ऑब्जर्व होती है ये इस तरीके की इंटरेक्शन मिलने लग जाती है आपको यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है सो so, इस रीजन की वजह से जो स्मॉलर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं वो तो आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर बट जैसे जैसे हम हायर कार्बन आइटम की तरफ मूव करने लग जाते हैं तो क्या होता है जैसे लेट से आपके पास ये कार्बन आइटम की चेन है जिसमें आपके पास लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है अब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर क्या होता है आपके पास इस पूरे मॉलिक्यूल में दो पार्ट में आप इस मॉलिक्यूल को डिवाइड कर सकते हो एक आपका ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट दूसरा ये फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट जिसमें हमें पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है ये पोलर नेचर का है और ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट नॉन पोलर नेचर का है तो इस नॉन पोलर और पोलर नेचर को अगर हम फर्दर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये पता लगता है कि जो नॉन पोलर पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है यानी ये वाटर रिपेलिंग पार्ट है और वहीं जो हमारा पोलर नेचर का है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है यानी ये वाटर लविंग नेचर का है तो इसका मतलब है कि जैसे ही वाटर इसके पास में आता है जो हमारा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये तो उस वाटर के पास जाना चाहता है बट ये जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये उस वाटर से दूर जाना चाहता है तो इसका मतलब है कि जब हम वाटर के अंदर इसकी फर्दर इंटरेक्शन को डिस्कस करेंगे तो हमें यहाँ पर इसकी वजह से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑब्जर्व करनी पड़ेगी क्योंकि ऐसी तो बात है नहीं कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा मॉलिक्यूल का पार्ट है तो पार्टिसिपेट तो करेगा हमारी सारी प्रॉपर्टीज में तो हम जैसे जैसे हायर कार्बन की तरफ मूव करने लग जाते हैं ना तो इसका मतलब है हम उस मॉलिक्यूल के नॉन पोलर पार्ट को इंक्रीज करे जा रहे हैं और अगर हम नॉन पोलर पार्ट को इंक्रीज करे जा रहे हैं तो ओवरऑल क्या मतलब है कि हम उसकी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं जिससे उसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वाटर में डिजोल्व होने का वो इंक्रीज हो रहा है वो उसको डिजोल्व ही नहीं होने दे रहा वो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है वो कह रहा है मैं इतना बड़ा मॉलिक्यूल तेरे पीछे ऑलरेडी हूँ तो कैसे जाके डिजोल्व हो जाएगा वो उसको हाइड्रोजन इंटरेक्शन से नहीं शो करने देगा सो so, इस रीज़न की वजह से जो हमारे ये मॉलिक्यूल्स जिसमें हमारे थोड़े, थोड़े हायर कार्बन आइटम वाले मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के वो अपनी सॉलिबिलिटी शो नहीं करते वाटर के साथ तो हमें क्या पता लगा यहाँ पे जैसे जैसे हम कार्बन आइटम्स को इंक्रीज कर देते हैं उसकी जो वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी थी वो डिक्रीज होने लग जाती है तो यहां से हमें इसमें से क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि बेशक वो सॉल्यूट आपका पोलर नेचर का हो बट उसके अंदर जो बाकी मॉलिक्यूलर पार्ट है उसकी भी इंटरेक्शंस पार्टिसिपेट करती हैं उसकी भी पार्टिसिपेशन होती है हमारे हर एक रिएक्शन और प्रॉपर्टीज के अंदर तो अगर वो आपको अलाउ नहीं करेगा तो आप उस पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्वेशन अपनी शो नहीं कर सकते हो तो यहाँ से हमें क्या चीज पता लगी कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर कार्बन आइटम वाले मॉलिक्यूल्स यानी जो स्मॉल हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजिली डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन इंटरेक्शन वहीं अगर जो हमारे कुछ हायर कार्बन आइटम वाले मॉलिक्यूल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपकी वाटर में सॉलिबिलिटी शो नहीं करते वो यूजली जो और हायर आप मूव करोगे ना वो इनसॉलिबल हो जाते हैं वो सॉलिबिलिटी शो करने लग जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आप कौन से कौन से ले सकते हो आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ले सकते हो क्लोरोफॉर्म ले लो कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो हेग्जीन ले लो बेंजीन ले लो ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आपको सॉलिबिलिटी ऑब्जर्व होती है आपके इन ऑर्गेनिक की के इज हायर कार्बन आइटम के कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्योंकि ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ईजिली आपके किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं बिकॉज इसमें हमारा नॉन पोलर यानी जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इंक्रीज हो जाते हैं तो वो उसकी सॉलिबिलिटी ऑब्जर्व करने लग जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर विच आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स तो ये तो कुछ सॉलिबिलिटी का एस्पेक्ट हो गया अब इसी सॉलिबिलिटी में हमारे पास एक मोलिक्यूल है एरोमेटिक मोलिक्यूल विच इज बेंजोइक एसिड बेन्जोइक एसिड हमारा सिंपलेस्ट एरोमेटिक मॉलिक्यूल है तो जब हम इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करेंगे और इसकी सॉल्युबिलिटी को लेकर अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप सबके माइंड में यही आएगा कि मैम ये सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड है तो हमने ये स्टडी करा था कि अगर कोई स्मॉल मॉलिक्यूल होगा तो वो इजीली आपका वाटर में डिजोल्व हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसकी डिजोल्यूशन भी हमें वाटर में ऑब्जर्व होनी चाहिए बट जब हम इसकी इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये तो मॉलिक्यूल आपका इमिसिबल है यानी ये तो पार्शली सॉल्युबल भी नहीं है ये मॉलिक्यूल तो इमिसिबल हो गया अब इसकी इमिसिबिलिटी का रीजन क्या है इसकी इमिसिबिलिटी का रीजन है ये जो इतना बड़ा हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर पार्ट लगा हुआ है ये हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है नो डाउट एक पोलर नेचर का पार्ट है मॉलिक्यूल भी छोटा है कोई डाउट नहीं है बट जो ये हमारा ये ग्रुप लगा हुआ है ये अब खुद में इतना बड़ा ग्रुप है ऐसा थोड़ी है कि अगर हाइड्रो एरोमेटिक कार्बन हम कंसिडर कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सबसे छोटा हमने ले लिया तो ये वाटर में सॉलिबिलिटी शो करेगा अरे वो छोटा एरोमेटिक की, एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के केस में है वैसे तो वो छोटा नहीं है ना छोटे मॉलिक्यूल्स तो थ्री टू फोर कार्बन आटम के होंगे इसमें तो हमारे पास सिक्स सेवन सेवन कार्बन आइटम्स है तो सेवन कार्बन आइटम्स तो काफी हायर स्टेज पर चले जाते हैं तो वो आपको इमिशिबिलिटी शो करेंगे क्यूं? क्यों क्योंकि इसका नॉन पोलर पार्ट काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है जिस वजह से इसकी हाइड्रोजन इंटरेक्शन को ये बिल्कुल ही निल कर देता है और ये इंटरेक्शन शो ही नहीं करने देता जिस वजह से हमें इसकी कोई हाइड्रोजन इंटरेक्शन नहीं मिलती फर्दर इसकी वाटर के साथ कोई सॉलिबिलिटी नहीं मिलती तो ये भी आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉम विचेस सी एच सी एल थ्री कार्बन डेट्राक्लोराइड वचेज सी सी एल फोर ईथर मॉलिक्यूल कोई बेंजीन मॉलिक्यूल इन सब के अंदर आपको इसकी सॉलिबिलिटी ऑब्जर्व होगी प्लस हायर कार्बन आइटम वाले मॉलिक्यूल्स की भी इनकी सॉलिबिलिटी आपको ऑब्जर्व होगी सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सोबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट जहाँ पर हमने इस चीज़ को ओवरकम किया कि लाइक दॉलॉल्स लाइक ऐसा नहीं होता हर बार क्योंकि आपके जो लाइक like पार्ट पे है उसमें दो टाइप की इंटरेक्शन्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं तो उन दोनों इंटरेक्शन्स को हमें ऑब्जर्व करना है उन दोनों के पार्टिसिपेशन को ऑब्जर्व करना और वैसे भी हमें पता है हम यूजअल एग्जाम्पल्स भी अगर लेके चलते हैं अगर आप कोई दो काम इजीली कर सकते हो तो उसमें से अगर कोई एक डिफिकल्ट होगा तो वो जो काम डिफिकल्ट वाला है जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा काम एक काम ले रहे हो उस काम को आप 10 मिनट में खत्म कर सकते हो बट वहीं अगर आपको दो काम प्रोवाइड कर दिए जाएं और उस दो काम में दूसरे वाला काम बेशक थोड़ा सा कम हो बट वो काम डिफिकल्ट हो तो ओवरऑल आपको टाइम ज्यादा लगेगा हम ऐसे बोल देंगे कि ठीक है जो दस मिनट में काम होने वाला था वो आपको तीन पेज लिखने थे वहीं अगर मैंने आपको दो पेज और एक्स्ट्रा लिखने के लिए दे दिए पर ऐसे बोला कि आप इन दो पेजेस पर प्रॉपर कर्सिव हैंडराइटिंग में कुछ ोगे जो मैंने आपको टेक्स्ट दिया है तो उस केस में आपको उन तीन पेजेस से ज्यादा टाइम लगेगा तो इसका क्या मतलब हुआ आप ये बोलोगे कि मैम तीन पेजेस दो पेज इसके अकॉर्डिंग तो हमें तीन से कम टाइम लगेगा उन दो पेजेस को कवर करने में ऐसा नहीं है उन दो पेजेस को कवर करने में आपको और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा क्योंकि वहां पर आपको प्रॉपर कर्सिव करसिव राइटिंग प्रॉपर हेंड राइटिंग यूज करनी है जिसमें थोड़ा टाइम लगता है तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी चीज है जो उसको प्रिवेंट कर रही है करने से तो वो उसकी इंटरेक्शन उसमें इन्वॉल्व होगी और उस वजह से हमें ओवरऑल वर्क पर इफेक्टेड ऑब्जर्व होगा यानी अब जब आप ओवरऑल अपना काम खत्म करके दिखाओगे तो वो दस से पंद्रह मिनट में नहीं होगा हो सकता है आपको थर्टी मिनट्स लग जाए काम खत्म करने में तो सेम चीज हमें मॉलिक्यूल्स में भी ऑब्जर्व होती है जब हम मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन को डिस्कस कर देन तो ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सिर्फ एक पार्ट के इंटरेक्शन को लेकर पूरे मॉलिक्यूल को सॉल्व कर दो उसकी हर एक चीज हर एक प्रॉपर्टी बता दो उसकी सॉलिबिलिटी भी बता दो उसकी बॉइलिंग पॉइंट के नेचर भी बता दो उसकी इंटरेक्शन भी बता दो नहीं आपको मॉलिक्यूल को ओवरऑल डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल खुद आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे अंदर ये पार्ट भी है ये जो इंटरेक्शन शो नहीं करेगा तो उसकी भी तो इंटरेक्शन उसकी भी तो पार्टिसिपेशन को डिस्कस करो तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ यहाँ यहाँ नहीं आपको हर एक पार्ट में मैंने आपको पहले भी जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वहाँ एल्टी हाइड के, के केस में भी हमें सेम चीज़ ऑब्जर्व हुई थी कि आपका जो नॉन पोलर पार्ट है काफी बड़ा हो जाता है सो so, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत कॉमन है अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ऑर्गेनिक में तो हम हर एक मॉलिक्यूल को ईजिली डिस्कस कर पाएंगे सो आई होप आपको सॉलिबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्स द केमिकल प्रॉपर्टीज जहां पर हम उसकी केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे क्योंकि तो हमें पता है केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है केमिकल रिएक्शन तभी हमें उसके कंपाउंड के बिहेवियर में चेंजेस ऑब्जर्व होंगे जो हम ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं सो लेट्स बिगिन विद केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सो केमिकल रिएक्शंस में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एसिडिटी की यानी यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी को स्टडी करेंगे क्योंकि हम अगर वर्ड में ही एसिड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसका एसिडिक नेचर होगा लेकिन उसके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे ही तो बोलने से हम लोग मानने से रहे हमें तो कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन कुछ ना कुछ रीजन चाहिए हर एक पॉइंट के पीछे तो उस रीज़न को समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एसिडिक बिहेवियर किस तरीके से आता है सो so, जब भी हम किसी भी मॉलिक्यूल की एसिडिटी की बात करते हैं तो उसमें हम उसके एच पॉजिटिव आइंस को स्टडी करते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल एच पॉजिटिव रिलीज कर देता है तो वो मॉलिक्यूल एसिडिक नेचर का होता है तो इस वजह से हम उसको एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड करने लग जाते हैं तो यहाँ पर जब हम कार्बोक्सलिक मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे तो कार्बोक्सलिक में क्या होता है सी ओ ओ एच अब इस ओ OH एच में अगर हमें एच पॉजिटिव रिलीज करना है तो इसका मतलब है इस ओ और एच के बॉन्ड की क्लीवेज को डिस्कस करना पड़ेगा तो एसिडिटी के अंदर हम रिएक्शन इन्वाल्विंग द क्लीवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे तभी तो हमारा एच पॉजिटिव रिलीज होगा और उसी एच पॉजिटिव के रिलीज की वजह से हमें यहाँ पर ओ और एच के बॉन्ड की क्लीवेज ऑब्जर्व होती है सो so इस वजह से हम यहाँ पर उन्हीं रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे जो हमारी ओ और एच बॉन्ड की क्लीवेज को शो करते हैं यानी ओवरऑल आपको एसिडिक रिएक्शन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ डिस्कस करना है तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के एच पॉजिटिव रिलीज़ होने के बाद थोड़े मॉलिक्यूल के बिहेवियर को समझ लेते हैं हमारा मॉलिक्यूल कभी भी एच पॉजिटिव कब रिलीज़ करता है जब भी उसके पास कोई एक्वस कंडीशन होती हैं तो यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल है जिसको जैसी एक्वस कंडीशन प्रोवाइड करी जाती हैं वो एच पॉजिटिव रिलीज करता है जो एच पॉजिटिव आपका वाटर कंबाइन करके एच थ्रीओ पॉजिटिव बना लेता है और यहाँ पर आपके पास एच पॉजिटिव रिलीज़ होने के बाद एक कार्बो एनाइन की फॉर्मेशन होती है ये कार्बो अनायन आपका एक स्टेबल मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस प्रेजेंट है और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस कर चुके हैं जहां हमें पता लगा था कि इस तरीके से रेजोनेट होकर हमारा मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस शो करता है जिसके हिसाब से हम यहाँ बोलते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है ये इवनली डिस्प्यू डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पूरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर सो so, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो काफी ज्यादा स्टेबल है अपने अनयनिक फॉर्म में जिस वजह से अगर वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहा है तो वो एच पॉजिटिव इजिली रिलीज कर देगा बिल्कुल सेम हमारा पहले वाला एग्जाम्पल जैसे हम बस की सीट को लेके एग्जांपल एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि एक बस में आप बैठे हुए हो जिसमें कुछ और दो तीन सीट्स वेकेंट है जिसमें से एक सीट आपकी ऐसी जिसपे आप जाना नहीं पसंद करते हो जिसको हम लास्ट सीट कंसिडर करते थे जिसमें ज़्यादा झटके लगते हैं और एक सीट ऐसी है जिस पर आप जाओगे तो ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं आएगा आपके जैसी वो दूसरी सीट होगी आप वहाँ जाकर भी बैठ सकते हो तो अगर कोई ऐसा बंदा आता है जिसे वही सीट चाहिए जहाँ आप बैठे हुए हो तो वो आपको फोर्स करेगा वहाँ से उठने के लिए अब आप तभी उठोगे जब आप सामने देखोगे कि कोई ऐसी पोजीशन है जहां से आप उस सेम पोजीशन को अक्वायर कर सको सेम स्टेट को अटेन कर सको तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे आसपास कोई सीट खाली हो जो इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे तब हम इजीली उठ जाएंगे और अगर वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली यानी लास्ट सीट की तरफ कोई भेजेगा तो उसके बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर हम उठेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि अगर उसको ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट है तब हम जाएंगे सेम चीज़ मॉलिक्यूल्स के साथ होती है अब मॉलिक्यूल्स को पता है वो ऑलरेडी अपने एक रिएक्टेंट फॉर्म में है जिस फॉर्म से वो कन्वर्ट होना चाहता है आगे अब वो कन्वर्ट करने कौन आएगा आपका रिएक्टेंट आएगा अब ये जो रिएक्टेंट आ रहा है इसकी कितनी एनर्जी या कितना स्ट्रांग या वीक रिएक्टेंट हम यूज़ करें वो डिपेंड करता है कि जो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो खुद कितना स्टेबल है अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्टेंट खुद ही कोशिश करेगा कि मुझे कोई भी रिएक्टेंट मिल जाए कोई भी रिएजेंट मिल जाए मैं फटाफट से उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाऊँ तो इसी रीजन की वजह से हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि वो कन्वर्ट होते हैं हमारे एक स्टेबल मॉलिक्यूल के अंदर जो कि एक रेजोनेंस स्टेबिलाइज मॉलिक्यूल है तो ये तो हमें समझ में आ गया पर यहाँ पर तो हमने जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एसिडिटी है उसको थोड़े से ऑर्गेनिक बिहेवियर एच पॉजिटिव रिलीज एंड की टेंडेंसी में समझाए बट कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आपस में आप कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करके बताओ कि कैसे ये एसिडिक है ज़्यादा और कैसे ये कम एसिडिक है सो तो उसके रीजनस हम आने वाले अभी वीडियो के अंदर ही समझेंगे इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे आपको सारे रीजन समझ में आ जाएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा एसिडिक है कौन सा कम एसिडिक है पर उससे पहले हम थोड़ा सा ना इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे रिलेट करोगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे जो मॉलिक्यूल्स की एसिडिक बिहेवियर है इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली हम वहाँ पर वैल्यूज़ को यूज़ करके उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं और हमें पता है कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के एसिडिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए हम उसके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को यूज़ करते हैं विच इज़ के ए यानी यहाँ पर हमें इस रिएक्शन का अगर के ए पता होगा तो हम ये बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा एसिडिक है कितना कम एसिडिक है सो के ए यानी एसिड कॉन्स्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम थोड़े से इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेट पर जाते हैं जहां पर हमें पता है कि जब भी कोई रिएक्शन इस तरीके से इक्विलिब्रियम स्टेज पर होती है तो उस इक्विलिब्रियम पर एक इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है जिस कॉन्टेंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेस्ट टू इट्स कफिशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू पारेट्स कॉफिशेंट कॉफिशियंट हमारे पास यहाँ पर जो सोशोमेट्रिक कॉफिशन गिवन होंगे उन्हें यूज किया जाता है प्रोडक्ट हमारे पास एच थ्री ओ पॉजिटिव है और ये कार्बन कार्बो कार्बन नाइन है जिसको आप इस तरीके से यूज करोगे और रिएक्टेंट आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर मॉलिक्यूल है अब ये तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं हमें तो एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट चाहिए और डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट हम ऑलरेडी अपने इलेवेंथ क्लास के अंदर इक्विलिब्रियम चैप्टर में कवर कर चुके हैं कि जब भी हम डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते तो वो इक्विलिब्रियम प्रियम कॉन्स्टेंट इन टू ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है तो यहाँ से अगर हम डिसोसिएशन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू कार्बो एनायन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेशन सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द डिसोसिएशन एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ कार्बोक्सिलिक एसिड बट आपको यहाँ पर हर बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए नहीं दी जाती हैं आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन होती हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करते हो बट हमें पता है जो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं या जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अलग वेरिएशन में होती है वो आपके पास टेन रेज टू पावर माइनस थ्री टेन रिज टू पार सेवन कुछ इस तरीके से रेंज कर है यानी टेन की पावर में रेंज करती है तो उसको कंपेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कंफ्यूजिंग हो जाता है तो उसको थोड़ा और ईज़ी करने के लिए हम यहाँ पर के ए की वैल्यू का लॉग लेने लग जाते हैं जिससे हमारे पास पी के ए आता है तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के इक्विलेंट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट जिसका अगर हम नेगेटिव लॉक कंसीडर करते हैं तो वहां से पी के ए की वैल्यू आती है और इस पी के ए की वैल्यू आपकी प्रॉपर नंबर्स में लाई करती है फोर पॉइंट थ्री इस तरीके से लाई करते हैं तो वहां पर कंपेरिजन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने एसिडिक बिहेवियर को कंपेयर कर सकते हैं ठीक है चलो ये समझ में आ गया कि हम एसिडिक बिहेवियर को कैसे कंपेयर कर सकते हैं किस वैल्यू को लेकर कंपेयर कर सकते हैं बट अब हमें ये समझना है कि पीके की वैल्यू क्या होगी कि वो एसिडिक होगा कितनी होगी कि वो एसिडिक होगा अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी तो उससे हमारे एसिडिक बिहेवियर पर क्या इफेक्ट आएगा तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखी जिसको फिर theoretical का आपके फॉर्मूलाज में यूज़ किया गया और उसके बाद आपकी पी के वैल्यू से फाइनल ऑब्जर्वेशंस निकाली गई कि आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हो कि अगर आपकी पी केई .E. की वैल्यू जितनी ज़्यादा छोटी होगी पी केई .E. की वैल्यू जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी उतना ही आपका मॉलिक्यूल एसिडिक होगा यानी यहाँ से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आपको इंक्रीज हुई मिलेगी तो इसका क्या मतलब है कि अगर पी के .E. की वैल्यू कम होगी तो आपका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा यानी वो एक दूसरे के साथ एक इनवर्स रिलेशन में है तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि जो पी के ए की वैल्यू है वो इनवर्स रिलेशन में हमारे एसिड स्ट्रेंथ के अगर हमारे पी केए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अगर पीके ई की वैल्यू कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो यहां से आप अपने एसिड की कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ईजिली कंपेयर कर सकते हो और इन सभी वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए सारी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए एक फाइनल कंक्लूजन क्या आता है हमारे पास कि अगर हम पी .E. की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और अगर आपके पास किसी भी एसिड में पीके .E. की वैल्यू लेस देन वन आ जाती है तो वो काफ़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है यहाँ पर क्या जाता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है अगर आपके पास पी .E. की वैल्यू वन टू फाइव के बीच में लाई करती है तब आपके पास जो एसिडिक बिहेवियर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है तो हम यहाँ पर मॉडरेट बिहेवियर बोल सकते हैं उसका अगर आपके पास पी के .E. की वैल्यू ग्रेटर देन फाइव हो जाती है या फिर आप कह सकते हो फाइव टू फिफ्टीन के बीच में लाई करती है तो उस टाइम आपका एसिडिक बिहेवियर थोड़ा और कम हो जाता है और वहां वहाँ पर बोलते हो कि ये वीक एसिड्स हैं यहाँ आप क्या बोलोगे कि दे आर वीक एसिड्स लेकिन अगर मान लो आपकी पी .E. की वैल्यू फिफ्टीन से भी बड़ी आ जाती है तो वो एक्सट्रीमली वीक एसिड्स हो जाते हैं तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि हमारे पास जो पीके -E की वैल्यू है उससे हम इजीली अपने एसिडिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसमें हमें क्या पता लगा सबसे पहले कि जो पीके -E की वैल्यू है वो हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर पीके आई -E की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी वहीं अगर पीके आई -E की वैल्यू डिक्रीज करते तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है जिसके अकॉर्डिंग हमने अपने फाइनल कंक्लूजन को क्या ड्रॉ करा कि हमारे पास अगर पीके -E की वैल्यू लेस देन वन होगी तो वो काफी स्ट्रांग एसिड्स होंगे अगर pKa की वैल्यू वन से फाइव के बीच में लाई करेगी तो वो मॉडरेट एसिड्स होंगे अगर pKa की वैल्यू फाइव टू तो फिफ्टीन के बीच में लाई करती है तो वो वीक एसिड्स होंगे और अगर वो ग्रेटर देन फिफ्टीन है तो वो एक्सट्रीमली वीक एसिड होंगे सो इस तरीके से हम अपने मॉलिक्यूल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एसिडिक बिहेवियर के अकॉर्डिंग अब ये तो हो गया कि अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू है फिजिकल केमिस्ट्री के एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग हमने अपने एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर लिया बट कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आपके पास सामने सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बने जिनकी पीके की वैल्यू आपको नहीं पता तो उस टाइम पर आप उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करोगे कैसे एक्सप्लेन करोगे कैसे उन मॉलिक्यूल्स को आपस आप में कंपेयर करोगे सो उनके कंपेरिजन के लिए हमें उसके मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करना होता है उस ऑब्जर्वेशन को भी हम थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे पहले उससे ये समझे समझ लेते

तो यहाँ पर भी आप जो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स हैं चाहे आपके पास फिनॉल हो या एल्कोहल हो ईथर्स हो या एल डिहाइट कीटोन्स हो उन सबके एसिडिक बिहेवियर को हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं तो उन्हें आपको बिल्कुल सिमिलर तरीके से अरेंज करना है उसमें हमें यह पता है कि उन सारे मॉलिक्यूल्स में फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक था क्योंकि हमें पता है कि जब हम फिनॉल में से एच पॉजिटिव रिलीज करते हैं तो हमारे पास फिनॉक्साइड आइन की फॉर्मेशन होती है दिस इज योर फिनॉक्साइड आइन नेगेटिव। अब ये जो फिनोक्साइड आयन है ये आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस की वजह से जिस वजह से इस मॉलिक्यूल में एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है और इसी रीजन की वजह से हम बोलते हैं कि जो फिनोल मॉलिक्यूल है आपके पास ये ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है और इसी वजह से इसका एसिडिक बिहेवियर बाकी एल्कोहल्स के कंपेरिजन में ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि अब हमें ओवरऑल सिर्फ फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करना है अगर फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तो आप पूरे उस ट्रेंड के सबसे आगे कार्बोक्सिलिक एसिड को प्लेस कर दोगे और अगर उससे कम आता है तो आप फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजिशन को इंटरचेंज कर दोगे यानी इसका मतलब है कि हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करना है और बस उसी ट्रेंड में अपनी नई नई नॉलेजेस को इंक्लूड करते जाना है कि, कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूल को समझ रहे हैं और उसी में हम उसके रिस्पेक्ट में उसे ऐड करते जाएंगे सो लेट्स कंपेयर द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स सो यहाँ पर ये यह हमारे पास फिनोक्साइड आयन और पास है और ये आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन है जिसमें हमारे पास ये फिनॉल में से हमने एच पॉजिटिव रिलीज करा जिससे हमारे पास ये फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन हुई और यहाँ हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में से एच पॉजिटिव रिलीज करा और हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन हुई अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में आपको प्रॉपर रेजोनेंस ऑब्जर्व हो रही है कि हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करा है। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको क्या चीज दिख रही है वो हमें ऑब्जर्व करना है यहाँ पर सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि जो आपका ये नेगेटिव चार्ज है इस फिन फिनोक्साइड के ऊपर ये किस तरीके से अपनी डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे मॉलिक्यूल पर और यहां पर आपके पास जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके इस कार्बोक्सिलेट मॉलिक्यूल के ऊपर अब यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप ये देखो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अब कार्बन के ऊपर भी जा रहा है लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आइन क्योंकि फिनॉक्साइड आइन पर आपका नेगेटिव चार्ज कार्बन पर भी जा रहा है और कार्बन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बट यहाँ पर आपका वो प्रॉपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है बिकॉज इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑक्सीजन सो so, यहां पर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि देर इज नो डाउट कि हमारे पास ये जो फिनॉक्साइड आयन और कार्बोक्सिलेट आइनस बनते हैं विच आर कॉन्जुगेट बेसिस फॉर रिस्पेक्टिव फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स उनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है ड्यू टू रेजोनेंस बट वो रेजोनेंस की वजह से हमें ये ऑब्जर्वेशन देखनी है कि वो जो नेगेटिव चार्ज है वो किस तरीके से मॉलिक्यूल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ पर कार्बन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन अपनी शो कर रहा है और ऑक्सीजन पर भी अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है वहीं अगर हम कार्बोक्सिलेट आइन्स को ऑब्जर्व करते हैं तो इस केस में जो रेजोनेंस हो रही है

डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल यहाँ पर आपके पास कार्बन पर भी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमने पीछे ऑर्डर एक्सप्लेन करा हुआ है हमारे सारे मॉलिक्यूल्स का एल्कोहल्स एसिड्स ईथर्स हाइड्रोकार्बन्स फिन उन सबका रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है उस रिलेशन में हमें सबसे आगे बस कार्बोक्सिलिक एसिड को प्लेस करना है क्योंकि ये फिनॉल्स एसिडिक है फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक है सो so, उस रीजन की वजह से ये ऑर्डर के अंदर सबसे आगे प्लेस करा जाएगा सो so, हमें इसका एसिडिक बिहेवियर समझ में आ गया प्लस हमें ये भी पता है कि अगर यहाँ पर कोई और सब्सिट्यूएंट ग्रुप लगा होगा चाहे वो फिनॉ मॉलिक्यूल पर लगाओ या फिर इस कार्बोक्सिलेट आयन के साथ में आर ग्रुप की जगह

या फिर कोई एसिडिक ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है वो वहाँ पर उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो ओवरऑल जो नेगेटिव चार्ज है इसको डिक्रीज करेगा जिससे हमारे मॉलिक्यूल के अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी तो विच मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक बिहेवियर वेर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज द एसडिक बेहेवियर सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक सीरीज है जो एनसीआरटी में गिवन है उस सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट आपके ग्रुप्स की स्ट्रेंथ बताई हुई है कि उसकी वजह से हमारे मॉलिक्यूल के एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट आएगा सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जिसमें हम यहाँ पर सबसे आगे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सी को जिसमें आपके पास कार्बन के साथ तीन फ्लोराइड आइंस लगे हुए हैं और फ्लोराइड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में तो उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यह है जो हमारे पास सी है ये स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी उसके बाद एनो देन साइनाइड फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड एंड देन फिनॉल ग्रुप तो इससे हमें क्या पता लगता है फिनॉन सॉरी फिनाइल ग्रुप तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर मॉलिक्यूल्स हो गए अगर उस कार्बोक्सिलिक एसिड में सी एफ की प्रेजेंस है और अगर फ्लोराइड की प्रेजेंस है तो हम कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि जो सी एफ है उसकी वजह से हमारे पास वहाँ एक एक्स्ट्रा एसिडिक स्ट्रेंथ आ रही है तो जो फ्लोराइड वाला पार्ट होगा उसमें स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू सी एफ थ्री मॉलिक्यूल तो यहाँ से हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि पहले हमने फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारे डिफरेंट डिफरेंट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बॉक्सलिक एसिड्स को कम्पेयर करा था और उसके बाद यहाँ पर हमने हमारे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर अगर हमें वैल्यू गिवन ना हो पीके की तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं उनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग हम मालिक्यूल्स को उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कम्पेयर कर सकते हैं उनको अरेंज कर सकते हैं अब आपकी एनसीआर में एक सीरीज गिवन है जो आपको आपकी स्क्रीन पर भी विजिबल होगी उस सीरीज़ में आपको क्या दिख रहा है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल में आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो एक सी एफ है सी एफ ग्रुप लगा हुआ है फिर सी सल थ्री ग्रुप लगा हुआ है एस सी एच सी एल टू लगा हुआ है ऐसे जैसे जैसे हम सीरीज़ में पीछे आते जा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की प्रेजेंस आ रही है नाइट्रो साइनाइड सी एच टू एफ सी एच टू सी एल हमारे पास फर्द सी सिक्स एच फाइव भी यहाँ पर प्रेजेंट है और उसके भी डिफरेंट डिफरेंट सब्सिक्वेंट्स प्रेजेंट है तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो है हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर रहे हैं जिसमें सी एफ थ्री होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की इफेक्ट जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है तो सी एफ थ्री हमारा उस वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा और उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप पीछे की तरफ मूव करोगे सी सी एल थ्री जो है वो आपका सी एफ थ्री के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है तो वो उससे थोड़ा कम एसिडिक है ऐसे ही सी एच सी एल टू में एक क्लोरीन कम हो गया तो वहां पर और थोड़ा एसिडिक बिहेवियर डिक्रीज हो गया अब उनके कंपेरिजन में नाइट्रो ग्रुप थोड़ा कम एसिडिक है तो नाइट्रो आ गया उसके बाद फिर साइनाइड ग्रुप आ गया तो इस तरीके से हम अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर अरेंजमेंट कर सकते हैं अब यहां पर हमें सारे मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट समझ में आ गई बट जब हम फिनाइल और phenyle को कंपेयर करते हैं और विनाइल क्या होता है आपके पास एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और इस पोजीशन पर अगर सीयूएच ग्रुप अटैच्ड हो इसी कार्बन के ऊपर तो ऐसी पोजीशन वाले मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये जो हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल्स हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमें जनरल कंपैरिजन से थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है हम क्या सोचते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स हैं तो ये सीरीज में पीछे की तरफ लाई करेंगे बट ये सीरीज में कहीं मिडल पोजीशन पर लाई करते हैं उसका रीज़न क्या है वो हमें अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर हमें क्यों विनाइल और फिनाइल मॉलिक्यूल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा एसिडिक बिहेवियर ऑब्जर्व होता है जो हम सोच रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ऑब्जर्व होती है तो यहाँ पर हमारे पास है विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड तो यहाँ जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं इनको जब आप ऑब्जर्व करते हो तो हमें क्या पता लगता है विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड में इस तरीके से एक रेजोनेंस प्रेजेंट है तो हमारे पास यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से हमें ऑब्जर्व होता है जो वापस से सेम रेजोनेंस करके हमें रिवर्स डायरेक्शन में रेजोनेंस शो करेगा और इस तरीके से हमें अपना वापस फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा सिमिलर तरीके से फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर भी रेजोनेंस प्रेजेंट है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी हमेशा हर एक मॉलिक्यूल के डिस्कस कर चुके हैं स्पेशली फिनॉल के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में तो जरूर डिस्कशन कर चुके हैं यहां पर भी आपको इसी टाइप कर, मिले का मिलेगा मॉलिक्यूल से इस से इधर ऐसे ये आगे शिफ्ट हो जाएगा तो डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर भी पॉसिबल है तो इसका मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल है इनके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेजोनेस और उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से क्या होता है यहाँ पर एच पॉजिटिव आइंस रिलीज हो जाते हैं इजिली क्योंकि जो एच पॉजिटिव आइंस रिलीज होंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की क्रिएशन होगी और उस नेगेटिव चार्ज भी को हम रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने की वजह से जो हमारे पास एच पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है जो हमारा एनायन मॉलिक्यूल आता है उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस और उसी रीजन की वजह से हम बोलते हैं कि विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है यूजुअल हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में थोड़ी सी हायर मिलती है ये हाइड्रोकार्बन्स हम जनरली कंसिडर कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन सीरीज में पीछे की तरफ ही लाई करेंगे बट वो कहीं मिडल में लाई करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस प्लस यहाँ पर जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होता है वो हमारा sp2 टू है क्योंकि यहाँ तीन डिफरेंट डायरेक्शंस में बॉन्ड बना रखे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से वो sp3 से थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो वहां पर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इफेक्ट भी शो करता है एज कम्पेयर टू एसपी थ्री मॉलिक्यूल तो यहाँ से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि हमारे विनाइल और फिनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर एक रेजोनेंस और दूसरा एसपी टू कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस होने की वजह से वो एसपी थ्री हाइड्रेडाइजेशन के अकॉर्डिंग

तो यहाँ हमारे पास ये तीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास है फोर मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड दिस इज योर बेंजोइक एसिड एंड दिस इज योर फोर नाइट्रो बेंजोइक एसिड इन सारे मॉलिक्यूल्स की पीके की वैल्यू केव है और पीके की एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ हमें रिलेशन ऑलरेडी पता है पीके इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी कम पीके की वैल्यू उतना ही ज्यादा एसिडिक बिहेवियर सो सबसे ज्यादा आपका एसिडिक बिहेवियर इस मॉलिक्यूल में होगा क्योंकि सबसे कम पीके की वैल्यू इसी की है और सबसे कम एसिडिक बिहेवियर इस मॉलिक्यूल का होगा तो वो तो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के आस्पेक्ट से हो गया कि डायरेक्ट वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अब थोड़े ऑर्गेनिक रिलेशन को observe करते हैं, हैं हैं, जिसमें हम क्या क्या कर पा रहे हैं कि ये आपके पास जो तीनों molecules है, इसमें common क्या है? एसिड वाला पार्ट कॉमन है डिफरेंस दोनों मॉलिक्यूल्स में observe हो रहा है, है, एक में इसमें, इसमें और डोनेटिंग इसमें ग्रुप है तो ये जो दोनों ग्रुप्स हैं आपके पास इनकी वजह से हमारे मॉलिक्यूल के एसिडिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने था। इस था। इस था था। तो इस इस की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है यहाँ कोई भी ग्रुप नहीं है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एस सच रहेगी यानी इससे ज़्यादा इसकी होगी और इससे कम इसकी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक फिर ये और उससे कम एसिडिक हमारा फोर मिथॉक्सी बेन्जोइक एसिड है सो दिस इज हाउ यू कैन कंपेयर द एसिडिक बिहेवियर और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पर जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल्स थे जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी चाहे हम उसे डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फंक्शनल ग्रुप्स के साथ कंपेयर करें कि हमने एल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स इन सबके साथ कंपेयर करें तो उसका क्या रिलेशन आएगा आपस में अगर मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा उनके वैल्यूज़ के साथ यानी पी के वैल्यू के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है यानी फिजिकल केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से भी हमने ऑब्जर्व कर लिया और डिफरेंट डिफरेंट सब्सिकुन ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है उन सभी तरीके से हमने यहाँ पर अपने मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर लिया है तो अब हमें मूव करना है कि इसकी कुछ रिएक्शन किस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं सो so, जब हम एल्कोहल्स और फिनॉल्स को डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम पर हमने ऑब्जर्व करा था कि ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ये एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं क्योंकि एच पॉजिटिव रिलीज़ हो जाता है और एच पॉजिटिव रिलीज़ होना हम कहाँ ऑब्जर्व कर पाएंगे किसी ना किसी रिएक्शन में जहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट मिले ताकि हम ऑब्जर्व कर पाएं कि हाँ यहाँ एच पॉजिटिव आएन रिलीज़ हो रहे हैं तो उसके अंदर हमें ये पता लगता है कि अगर हम मेटल्स के साथ या बेसिस के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो वहाँ पर हमें उसके एच पॉजिटिव रिलीज़ होने की ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व होती है सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रिएक्शन विद मेटल्स एंड अल्कलीज तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिसमें हम कभी मेटल और कभी बेसिस के साथ उसकी रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है नो no डाउट हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर हमारे पास इसके कार्बोक्सिलेट आइंस की फॉर्मेशन होगी और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी वहीं अगर ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से एच पॉजिटिव और यहाँ से ओ एच नेगेटिव H2O की फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ उसके रिस्पेक्टिव आयन की फॉर्मेशन होगी और अगर आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है फर्दर किसी और वीक एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है हमारे पास अगर कोई एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो रिएक्शन शो करेगा ही करेगा बट अगर हम उसकी वीक बेस के साथ कोई रिएक्शन ऑब्जर्व करना चाहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट जो काफ़ी वीक बेस है तो यहाँ पर उसकी रिएक्शन हमें उन्हीं एसिड्स के साथ ऑब्जर्व होती है जिन एसिड की थोड़ी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स काफी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तो उस वजह से ये वीक बेसिस जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट इन सब के साथ भी रिएक्शन शो कर देते हैं तो यहाँ पर हमें नो no डाउट हमारे कार्बोक्सिलेट आयंस की फॉर्मेशन मिलेगी बट साथ में वाटर और सीओ टू की भी हमें प्रेजेंस मिलेगी जिसमें हमें सीओ टू हमें ऑब्जर्व होगी रिलीज होती भी तो ये जो आपकी लास्ट रिएक्शन है इस रिएक्शन को आप कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रेजेंस को ऑब्जर्व करने के लिए अपने लैब्स में यूज़ करते हो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर सॉल्ट गिवन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की प्रेजेंस है अगर आप उस ग्रुप को इस रिएक्शन से टेस्ट करोगे उसके अंदर आपको कुछ नहीं बस उसका एक एक सोल्यूशन कंसिडर करना है और उस एक्वस सोल्यूशन के अंदर आपको सोडियम बाई कार्बोनेट एड करना है अगर आपको उसमें से कुछ बबल्स फेज आउट होते हुए ऑब्जर्व होते हैं सी गैस के वो बबल्स ऑब्वियसली सी गैस के ही होंगे तो वहां पर आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस है सो इस तरीके से आप वहां पर अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो सो यहां पर हमने इसकी रिएक्शन का प्रैक्टिस

इस बॉन्ड की क्लीवेज ऑलरेडी डिस्कस कर ली अब हमें इस बॉन्ड की क्लीवेज को डिस्कस करना है तो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द रिएक्शन इनवॉल्विंग क्लीवेज ऑफ सी ओ एच बॉन्ड सो रिएक्शंस इनवॉल्विंग क्लीवेज ऑफ सी ओ एच बॉन्ड में सबसे फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड जो कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स को समझा था तब देखा था सो so, पर हमें एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन करनी है और एनहाइड्राइड का मतलब हम वर्ड से ही समझ पा रहे हैं रिमूवल ऑफ वाटर इन एनहाइड्रस कंडीशन तो यहाँ पर हमारे पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे जिन्हें जब आप हीट करोगे किसी एसिड या पी टू ओ फाइव की प्रेजेंस में तो आपके पास यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा जिससे आपके पास यहाँ इस तरीके से एक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी आप इसको ऐसे कंबाइन कर सकते हो कि लेट से यहाँ से आपने ओ एच और इधर से एच पॉजिटिव ये कंबाइन करा तो यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया जिस वजह से आपका जो ये कार्बन है इस कार्बन के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा और यहाँ पर इस तरीके का आपको एक एनहाइड्राइट स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा जिसमें सी ओ ओ सी ओ इस तरीके से बॉन्डिंग आपको ऑब्जर्व होती है तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल आया दिस इज योर एनहाइड्राइट मॉलिक्यूल जिसे आप बोलोगे इथेनोइक एंड क्योंकि यहाँ आपके पास दोनों तरफ इथेन के मॉलिक्यूल्स हैं सो so इट इज इथेनोइक एंड सो सबसे फर्स्ट रिएक्शन जिसमें सी ओ एच क्लीवेज है जिसमें आपने इस कार्बन और इस एच बॉन्ड की क्लीवेज को ऑब्जर्व करा जिससे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हुई सो दिस वॉज योर फर्स्ट रिएक्शन नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स योर नेक्स्ट रिएक्शन योर नेक्स्ट रिएक्शन इज एस्टेफिकेशन रिएक्शन जहां पर हमारे पास से एस्टर की हम करते हैं बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एस्टर की फॉर्मेशन में कार्बॉक्सलिकल्कोहल भी पार्टिसिपेट करता है आप एस टू एस फोर भी ले सकते हो एच सी एल भी ले सकते हो कोई भी एसिड ले सकते हो उसकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्ट करवाते हो तो आपके पास एस्टर की फॉर्मेशन होती है ये एस्टर कैसे बनता है यहाँ से आपके पास सी ओ और ओ OH एच का बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ से आपके पास आर और सॉरी आर ओ और एच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये वाला ओ OH एच और ये एच आपस में कंबाइन करके वाटर बना लेते हैं और यहाँ पर आर सी ओ इस ओ आर डैश के साथ कंबाइन करके एस्टर की फॉर्मेशन करता है तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस पार्ट के अंदर कवर कर चुके हैं जहाँ पर हमने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में ये ऑब्जर्व करा था कि, कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के बीच में रिएक्शन होती है पर वहां पर भी हमने इसी स्ट्रिक्ट मेथड से समझा था जहां पर अब यहां हम थोड़ी क्लियरेंस आ गई है कि एक रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की जिसमें कार्बन और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड के बीच में हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी क्लीवेज होती है जिससे हमारे पास एस्टेरिफिकेशन के प्रोडक्ट्स आते हैं अब इसका थोड़ा मैकेनिज्म ऑब्जर्व कर लेते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा प्रॉपर समझ लेते हैं क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में क्या होता है आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो किसी भी एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में यानी एसिड की प्रेजेंस में यहां पर आपका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका जो हाइड्रोक्सिल पार्ट है इसके अंदर से जो नेक्स्ट आपके पास कार्बन है है ये आपको ऑब्जर्व करना क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस हाइड्रोक्सिल पार्ट को प्रोटोनेट कर देते हैं क्योंकि हमने एल्कोहलिक रिएक्शन में ऑब्जर्व करा है कि जो हमारा प्रोटोनेटेड एल्कोहल होता है वो ईजिली रिमूव हो जाता है तो स्टूडेंट्स क्या कोशिश करते हैं कि यहां पर भी उसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं ये स्टेप आपका गलत हो जाएगा तभी हमें इसके मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है यहां आपके पास ये जो कार्बोनल कार्बन है ना इसका क्न प्रोटोनेट करा जाता है और आपके पास इस तरीके से एक मोलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है अब इसकी प्रोटोनेशन की वजह से क्या होगा आपके पास ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया जो वो होल्ड करके नहीं रख सकता क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट होता है खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है तो वो पॉजिटिव चार्ज को होल्ड नहीं करेगा तो उसकी कोशिश रहेगी कहीं ना कहीं से बॉन्ड को रिमूव करने की पर वो देख रहा है कि अगर सामने से बॉन्ड रिमूव करेगा तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा विच मीन कि अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहां पर वो कार्बन पर इजिली अटैक शो कर सकता है तो यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियो फाइल ए रियक्शन में एल्कोहल कि उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं तो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो आपके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे जिस वजह से आपका जो ये नेक्स्ट आपका बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का वो शिफ्ट होकर यहाँ पर ओ की फॉर्मेशन हो जाएगी अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास ये जो ऑक्सीजन था ये क्या था आपके पास न्यूट्रन जिसने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आया एक पॉजिटिव चार्ज आया तो वो पॉजिटिव चार्ज आप इस तरीके से यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो ये आपके पास एक टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट आ रहा है जिसमें ये आर इसके बाद कार्बन कार्बन के दोनों तरफ ओ एच प्रेजेंस है दोनों तरफ ओ एच OH ग्रुप की प्रेजेंस है और एक तरफ ओ आर डैश एच ग्रुप लगा हुआ है अब यहाँ पर अगेन ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया जो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू तो इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास प्रोटॉन ट्रांसफर होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन से बॉन्ड को ब्रेक करेगा उससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो जब ये इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो यहाँ पर H पॉजिटिव आ जाएगा जो इस OH को प्रोटोनेट करेगा यानी यहाँ पर एक तरीके से प्रोटोन ट्रांसफर होगा ये प्रोटोन इस पोजिशन पर आ जाएगा जिससे आपके पास यहाँ OH2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी OH2 पॉजिटिव हमें पहले ही पता है कि काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है लेकिन लिविंग ग्रुप को लीव होने के लिए भी तो कोई ड्राइविंग फोर्स चाहिए तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास ये जो ऊपर ओ OH एच लगा हुआ है उसका जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है वो इस तरीके से आपके अटैक करेंगे और आपके पास ये ओ पॉजिटिव का रिमूवल करवाएंगे जिससे आपका वॉटर रिमूव हो जाएगा और आपके पास इस तरीके से प्रोटोनेटेड एस्टर की फॉर्मेशन होगी जिसमें से बस आपको एच पॉजिटिव रिमूवल ऑब्जर्व होगा और फर्दर आपका एस्टर फॉर्म हो जाएगा तो यहां पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर कैसे फॉर्म करा सबसे पहले हमने कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन है उसे प्रोटोनेट करा ताकि वो जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करी जा सके क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिकसिटी जो है काफी कम है क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस हो जाती है तो उस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को इंक्रीज करने के लिए हम इसको यहाँ पर प्रोटोनेशन शो करते हैं फर्दर उसके बाद जब उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाती है तो हमारे पास उसका न्यूक्लियोफेल के साथ अटैक बहुत अच्छे से हो सकता है तो सामने न्यूक्लियोफिलिक नेचर का कौन है एल्कोहल तो वो यहाँ पर अपना अटैक शो करेगा जिसकी वजह से आपके पास एक टेट्रोहड्रल इंटरमीडिएट बनेगा उस टेट्रोहाइडल इंटरमीडिएट में हमें प्रोटॉन ट्रांसफर ऑब्जर्व होगा जहां पर हमारे पास ओ एच टू पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी जो कि काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है तो हमारे पास यहाँ इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूल रीअरेंज होकर वॉटर का रिमूवल कर देगा और आपके पास एक प्रोटोनेटेड एस्टर की फॉर्मेशन होगी जिस प्रोटोनेटेड एस्टर को आप फर्दर जब एच पॉजिटिव रिमूवल ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास वहां से एस्टर की फॉर्मेशन आपको ऑब्जर्व होगी सो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म एस्टर बाय यूजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल तो आई होप अगर आपके पास अब कोई भी एग्जाम्पल आएगा स्टेरिफिकेशन के लिए तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना काफ़ी बार क्वेश्चन इस तरीके से पुट करा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो ऑक्सीजन है इसको प्रोटोनेट कर देते हैं प्रोटोनेट इन द सेंस या फिर आप इस बोलो रेडियो एक्टिव कर देते हैं तो रेडियो एक्टिव बनाने के बाद ये पूछा जाता है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीजन है वो हमारे रिएक्शन के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें प्रेजेंट होगा या नहीं होगा या एल्कोहल के ऑक्सीजन को हमारे रेडियो कार्बन के फॉर्म में शो करने लग जाते हैं रेडियो एक्टिविटी शो करने लग जाते हैं इसमें तो जब रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन आएगा तो हमें पता है जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो प्रोडक्ट में है तो विच मीन्स हमारा जो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन है वो भी प्रोडक्ट में आएगा तो हम इजीली अपने ऑक्सीजन के नेचर को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हाँ ये इसका ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है इसका ऑक्सीजन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा और वो पार्टिसिपेट कर कौन रहा है कर क्यों नहीं रहा उसका रीजन हम मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं आप बस ये मैकेनिज्म शो कर देना ये अपने आप में ही एक आंसर है कि कौन सा ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट होगा कौन सा ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा सो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म एस्टर एंड दिस इज योर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आई होप अब आप सबको एस्टेरफिकेशन रिएक्शन में तो कोई डाउट नहीं होगा नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स योर नेक्स्ट रिएक्शन

आपके पीसीएल फाइव पीसीएल थ्री और एसओसीएल टू में जो हेलोजन गिवन है तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये काफी सिमिलर है हमारे एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के साथ क्यों क्योंकि वहां पर भी ओ OH एच ग्रुप है जो पार्टिसिपेशन शो करता है यहाँ पर भी हमारा जो ओएज OH फंक्शनल ग्रुप है वो पार्टिसिपेशन शो करता है तो हमें यहाँ रिएक्शंस किस तरीके से ऑब्जर्व होंगी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पीसीएल फाइव के साथ रिएक्ट करता है तो इसका ओएज OH, क्लोराइड पार्ट से रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास आर सी ओसीएल की फॉर्मेशन होगी और साथ में कुछ साइड प्रोडक्ट्स आएंगे विच इज पीओसीएल थ्री एंड एच सी एल सिमिलरली अगर ये रिएक्शन पीसीएल थ्री के साथ होगी तो आपके पास प्रोडक्ट तो सेम आएगा आर सी सी एल बस साइड प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे विच इज एच थ्री पीओ फोर पीओ थ्री नेक्स्ट अगर आपकी एसओसीएल टू के साथ रिएक्शन होती है तो फाइनल प्रोडक्ट आपका आर सी सी एल ही आएगा यानी सेम प्रोडक्ट है बस आपके साइड प्रोडक्ट चेंज होंगे विच इज एस एंड एच सी एल और इस रिएक्शन को बेस्ट रिएक्शन बोला जाता है अगर आपको कोई एसाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन करनी होती है क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये जो SO2 और HCl है ये दोनों गैशेज नेचर के हैं तो ये अपने आप ही जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें से रिलीज हो जाते हैं और आपके पास एक प्योर आपका प्रोडक्ट आता है तो इस तरीके से हम यहाँ पर एसओसीए टू को यूज कर सकते हैं अपने प्योरिफाइड प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सो दिस वॉज योर थर्ड रिएक्शन नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स योर नेक्स्ट रिएक्शन द नेक्स्ट रिएक्शन इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ कार्बॉक्सलिक एसिड विद अमोनिया तो यहाँ पर जब भी हमारे कार्बोक्सलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है तो उसमें सबसे पहले अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है क्यों क्योंकि अमोनिया के पास क्या है लोन पेयर लोन पेयर तो इसका मतलब है ये एच पॉजिटिव आइंस एक्सेप्ट कर सकता है या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारे पास मॉलिक्यूल में लोन पेयर है लोन पेयर का मतलब है वो कि लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो वो ल्यूस बेस हुआ और बेसिस का काम क्या होता है एच पॉजिटिव आइंस को एक्सेप्ट करना तो ये अमोनियम पॉजिटिव एन एच फोर पॉजिटिव बना सकता है और जैसे ही एन एच फोर पॉजिटिव आएगा तो ये एच पॉजिटिव तो रिलीज हो गया तो इस पर सी ओ नेगेटिव आ जाएगा जो आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन करके इस अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे जिसको जब आप फर्दर हीट करते हो तो आपके पास अमाइड की फॉर्मेशन होती है क्योंकि इसमें से वाटर का रिमूवल हो जाता है तो यहां पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर करा है जिसमें हमने एसिटिक एसिड कंसिडर करा है जिसमें सबसे पहले जब वो अमोनिया के साथ रिएक्शन शो करेगा तो हमारे पास यहाँ अमोनियम एसिटेट की फॉर्मेशन होगी जो फर्दर हीट करने से हमारे पास पासिटाइड आपको फाइनल प्रोडक्ट एज रिजल्ट शो करेगा अगर इसकी जगह हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड होता जैसे बेंजोइक एसिड तो वो सबसे पहले हमारे पास अमोनियम बेन्जोइ सॉल्ट बनाता इसका अमोनियम सॉल्ट फर्दर हीट करने से हमारे पास यहाँ पर बेंजामाइड की फॉर्मेशन होती ये याद रखना है बेंजामाइड जब आप फॉर्म करोगे तो आपका वाटर रिमूव होगा यानी डिहाइड्रेशन स्टेप हो रहा है एक तरीके से अब ये तो हमारी वो रिएक्शन है जब आपके सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड की इन्वॉल्वमेंट है अब कोई ऐसा भी तो मॉलिक्यूल आ सकता है जिसमें आपके दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की इन्वॉल्वमेंट हो और काफी क्लोज प्रोक्सिमिटी में हो जिसका हमारे पास काफी अच्छा एग्जांपल है थैलिक एसिड का सो थैलिक एसिड में क्या होता है आपके पास इस तरीके से एक बेंजीन मॉलिक्यूल होता है जिसकी दो अल्टरनेट पोजीशंस पर बिल्कुल जो कॉन्सिक्वेंट पोजीशंस है उन पर सी ग्रुप की प्रेजेंस होती है जिसकी जब रिएक्शन किसी अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ होती है तो यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट तो बनेगा ही थैलिक एसिड से आपके पास अमोनियम थैलेट आएगा बट जब आप इसको फर्दर हीट करते हो तो हमारे पास यहाँ पर थैलामाइड भी बन गया यानी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर इन दोनों ग्रुप्स में सी ओ एन अमाइड की प्रेजेंस आ गई बट यहाँ पर एक चीज और है यहाँ एक एक्स्ट्रा स्टेप है अगर इसे आप फर्दर स्ट्रॉन्ग हीट करोगे ना तो यहाँ अमोनिया का रिमूवल होके इस तरीके से एक थैला थैलामाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी थैला अमाइड से थैलीमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी ये ध्यान रखना है एक तरीके से आपको थोड़ा एनहाइड्राइड के सिमिलर लगेगा बस यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह एनएच की प्रेजेंस है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके से अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अमाइड ग्रुप्स लगे हुए हों और उसको हम हीट कर देंगे तो हमारे पास इस तरीके से एक थैली जैसे मॉलिक्यूल की यानी इस तरीके से एक इमाइट जैसे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी सो so, ये आपको रिएक्शन थोड़ी सी ध्यान रखनी है जिसका ये एक एग्जांपल है जिसमें थैलिक एसिड से हम थैलीमाइट की फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर हमने मॉलिक्यूल को फर्दर और हीट करा तो सो दीज वर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द रिएक्शन विच इन्वॉल्व द सी ग्रुप रिएक्शन यानी पूरा का पूरा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करता है हमारी रिएक्शन में जिसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन रिडक्शन हमारे वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस होने का मतलब है या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ पर हम उसी तरीके के रिएजेंट्स को यूज़ करेंगे हमारा रिएक्टेंट तो सेम रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड रीएजेंट्स आपके यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज होंगे जिसमें आप रिड्यूसिंग एजेंट लिथेम एलुमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो डायबोरेन यूज कर सकते हो हमें पता है लीथेम एलुमिनियम हाइड्राइड्स और डायबोरेन्स आपके हाइड्राइड डोनर्स हैं। तो ये काफी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह वर्क करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को इनके साथ रिएक्ट करवाते हो फर्दर उनकी एसिडिफिकेशन करवाते हो तो आपके पास यहां पर एल्कोहल यानी प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है प्राइमरी क्यों फॉर्म हुआ क्योंकि हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है तो आपके पास एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की एल्कोहल होगी विच इज प्राइमरी एल्कोहल तो इस तरीके से आप कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हो बस यहाँ पर जब आप रिएजेंट्स यूज करोगे ना तब आपको ध्यान रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो आपकी बहुत अच्छी रिएक्शन शो करेगा बट के केस में क्या होता है आप डाईबोरेन को उन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज कर सकते हो जब आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा कार्बोक्सिलिक पूरे मॉलिक्यूल में उसके अलावा कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स हो जैसे आपके पास कोई नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है कोई हेलोजन हो सकता है कोई एस्टर ग्रुप हो सकता है उस केस में अगर आपने डायबोरीन यूज करा तो आपके पास जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है ना सिर्फ वही रिड्यूस होगा वही आपके अल्कोहल में कन्वर्ट होगा बाकी मॉलिक्यूल में ऐसे कैसे रह जाएंगे ग्रुप्स लेकिन अगर आपने लीथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लिया उस टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की प्रेजेंस में तो ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है कि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो आपका प्राइमरी एल्कोहल देगा ही देगा पर साथ में जो और ग्रुप्स प्रेजेंट हैं जहाँ पर जो एस्टर है जो नाइट्रो है वो भी आपके रिड्यूस होकर हमारे अमीन जैसे नाइट्रो से अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी सो तो इस तरीके से आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि हमें कोई डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए जिसमें सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही रिड्यूस होना चाहिए तो वहाँ पर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जगह सो डायबोरेन मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ नहीं करते यानी एन ए बी एच फोर से आप इसकी रिडक्शन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो क्योंकि एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नो डाउट ये भी हाइड्राइड डोनर है ये भी हाइड्राइड डोनर है बट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और सोडियम बोरोहाइड्राइड एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता है सो so, इस वजह से हम इसे हमारी रिएक्शन में यूज नहीं करेंगे तो so, आपको इन तीनों रिएजेंट्स का थोड़ा थोड़ा सा ध्यान में रखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स को रिड्यूस कर देता है अगर हम डायबोरेन्स की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही आपके एल्कोहल में रिड्यूस होगा बाकी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होगा वो एज सच आपके मॉलिक्यूल में रहेगा और वहीं अगर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करते हैं तो ये आपका काफ़ी वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ये आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर सकता इस वजह से हम इसे अपनी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं करते सो दिस वॉज योर रिडक्शन रिएक्शन जहां पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स योर नेक्स्ट रिएक्शन विच इज डी कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में आपके यहाँ पर एक तरीके से कार्बन का रिमूवल होता है और किसकी प्रेजेंस में आपके पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिमूवल होता है जो फर्दर आपके इन बेसिस के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है तो so, यहाँ पर आप ऑब्जर्व ये कर सकते हो कि हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हमारे पास यहाँ हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होती है यानी एक ऐसे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल को उसके सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सोल्ट में कन्वर्ट करते हैं जिसकी रिएक्शन हम एन और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं और हीट करते हैं उसको जिससे आपके पास यहाँ पर ये जो पूरा कार्बोक्सिलेट पार्ट है ये आपका यहाँ से रिमूव हो जाता है और हाइड्रोकार्बन पार्ट और साथ में आपका बायकार्बोनेट जो सोडियम कार्बोनेट है वो रिलीज हो जाता है अब यहाँ जो आप ये एन और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर यूज कर रहे हो इसे अगर आप थ्री टू वन रेशियो में लोगे तो आपके पास यहाँ सोडा लाइम की फॉर्मेशन होती है तो उसी सोडा लाइम की प्रेजेंस में हम इस रिएक्शन को करवाते हैं जिसमें क्या होता है आपके पास थ्री मोल एन होते हैं और वन मोल कैल्शियम ऑक्साइड होता है जिसकी प्रेजेंस की वजह से जब आप हीट करते हो तो आपका जो ये कार्बोक्सिलेट पार्ट है ये रिमूव हो जाता है मॉलिक्यूल में से और ये जो आर है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके आपके पास यहाँ क्या शो करता है यहाँ पर हमें शो करता है एक हाइड्रोकार्बन और साथ में आपके सोडियम कार्बोनेट्स के रिलीज आपको ऑब्जर्व होता है अब ये जो हाइड्रोकार्बन वाली रिएक्शन है इसको देख के कुछ ध्यान आ रहा है हमने क्लास इलेवेंथ में भी स्टडी करा था कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर सकते हैं बट वहां सच कोई डी कार्बोक्सिलेशन डिस्कस नहीं करी थी वहां हमने कॉलबेज स्टडी करी थी जिसमें क्या होता है हमारा मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोक्सिलिक पार्ट को रिमूव तो करता ही है बट वो दूसरे वाले सिमिलर मॉलिक्यूल के साथ डायमराइज करके एक डबल फॉर्म में हमें हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन शो करता है उस रिएक्शन में क्या होता है जैसे हम यहाँ सोडियम एसिटेट के एग्जाम्पल को कंसिडर करके देखते हैं यहाँ आपके पास क्या है सी एच थ्री सीओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव जो एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है आपके पास ये जो ये वाला पार्ट है ये आपका रिमूव हो जाता है और इसके रिमूवल की वजह से यहाँ पर सी एच थ्री बचता है ऐसे ही आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें सी एच थ्री बचता है तो वो जो सी एच थ्री सी एच थ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में कंबाइन करके इस तरीके से इथेन की फॉर्मेशन करते हैं एक हाइड्रोकार्बन बनता है और आपके पास यहाँ CO2, H2 और NaOH की रिलीज आपको एज अ साइड प्रोडक्ट ऑब्जर्व होता है तो दोनों ही रिएक्शन में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन करी है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके ट्वेल्थ क्लास में सिर्फ और सिर्फ डी कार्बोक्सिलेशन सिलेबस है तो बोर्ड्स में या फिर एग्जाम टाइम पे आपसे सिर्फ और सिर्फ डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में ही पूछा जाएगा कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं और इसके अंदर भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की इन्वॉल्वमेंट है जिससे आपकी सिमिलर रिएक्शन हाइड्रोकार्बन ही आ रहा है बस यहाँ रिएजेंट्स का डिफरेंस है और प्रोसेस ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस है यहाँ इलेक्ट्रोलिस हो रही है यहाँ पर आपको अपनी नॉर्मल रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही है सो so, इस तरीके से आप कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर सकते हो तो यहाँ पर तो मैं बीच बीच में आपको बताती जा रही हूँ पर कई बार क्या होता है आप लोग स्किप कर जाते हो इन सब चीजों को तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई ऐसे रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं जहाँ हमारे पास इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ हमने पहले डिस्कस करा हुआ है उसको आप अपने नोट्स में साइड में लिख लो ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये भी इसी रिएक्शन की तरह ही है जिसमें हमें कुछ इसी तरीके से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट मिलती है आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन को कवर कर रहे हो तो वो सारी रिएक्शन जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो तो आप नोट ही करोगे वैसे मैं आपको यूजुअली सारी एक्स्ट्रा रिएक्शंस बता देती हूँ अगर कोई रह जाती है तो आप क्या करना अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की कोई भी रिएक्शन रहती है तो प्रीवियस आपके नोट्स ऑब्जर्व करना जिसको हमने पहले डिस्कस करा हुआ है उनमें से अगर ऐसी कोई रिएक्शन आती है वही अपने नोट्स के साइड में रिप्रेजेंट उसको लिख लो ताकि आपको वो ध्यान रहे कि सिमिलर हमने रिएक्शन ऐसी ही कार्बोक्सिलिक एसिड की डिस्कस करी हुई है सो दीस वर योर रिएक्शन जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर सीयूएच ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट को ऑब्जर्व करा नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स योर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन जहां पर हम जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोकार्बन पार्ट है यानी पीछे जो अल्काइल या एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ होता है उसके अंदर हम कुछ रिएक्शंस को इन्वॉल्व करेंगे क्योंकि हम धीरे धीरे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट बाय पार्ट के रिएक्शन को देख रहे हैं सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें इस तरीके से एक हाइड्रोकार्बन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे पहले हमने इसकी क्लीवेज को ऑब्जर्व करा फिर हमने इस क्लीवेज को ऑब्जर्व करा और अब हमने इस क्लीवेज को ऑब्जर्व कर लिया अब हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन पार्ट रह गया अब हम इसकी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे सो लेट्स डिस्कस द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन पार्ट जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है halogenation. Halogenation word से समझ आ रहा है कि हमें यहाँ हेलोजन की एडिशन करवानी है बट यहाँ पर एडिशन किस तरीके से होती है वो ऑब्जर्व करना है हेलोजनेशन रिएक्शन हम ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने कार्बन और ओ एच ग्रुप के क्लीवेज को ऑब्जर्व करा था जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका हेलोजन से रिप्लेस हो गया था बट यहाँ पर हम इसके हाइड्रोकार्बन पार्ट के अंदर उसकी एडिशन को ऑब्जर्व करें तो यहां पर क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड टू गिव अल्फा अल्फा हाइड्रो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स इस स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है कि हेलोजिनेशन रिएक्शंस वो कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो अल्फा हाइड्रोजन का क्या मतलब है कि आपके पास ये सी ओ एच ग्रुप लगा हुआ है इससे जो आपके पास नेक्स्ट कार्बन है इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है उन्हें आप बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन फॉर दिस मॉलिक्यूल तो अगर आपके पास यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी वो मॉलिक्यूल आपकी हेलोजनेशन रिएक्शन शो करेगा इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और जो हैलोजन आप क्लोरीन यूज कर सकते हो और ब्रोमीन यूज कर सकते हो और फर्दर उसके अंदर वाटर ऐड कर देना तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमने मॉलिक्यूल कंसिडर करा है जिसमें आर सी एच टू सी ओ एच है तो इस सी ओ एच से नेक्स्ट कार्बन ये है जिस पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है विच मीनस ये इसकी अल्फा पोजिशन है और इस अल्फा पोजीशन पर दो हाइड्रोजन है तो इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन हुए तो जब ये रिएक्शन शो करेगी इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस एंड हेलोजन तो आपके पास इसका जो एक हाइड्रोजन है वो सब्सिट्यूट हो जाएगा इस हेलाइड पार्ट से जिससे आपके पास यहाँ पर इस तरीके से अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर आपका जो एक्स है ये क्लोराइड भी हो सकता है ब्रोमाइड भी हो सकता है और ये जो आपकी रिएक्शन है इसे नेम करा जाता है हेल वोल्ड काशन तो आपको ये नाम ध्यान में रखना है पेपर में डायरेक्टली आपसे हेल्प का रिएक्शन बोल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपको रिएजेंट देके ये पूछा जा सकता है कि ये रिएजेंट किस रिएक्शन के अंदर यूज करा जाता है वन मार्क क्वेश्चन में कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं सो दिस वॉज अबाउट योर हेलोजनेशन रिएक्शन जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन को ऑब्जर्व करा है नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स योर नेक्स्ट रिएक्शन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर हम सब्सिट्यूशन ऑब्जर्व करेंगे सब्सिट्यूशन का क्या मतलब है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा जो अपने रिंग के ऊपर आपके अटैचमेंट सब्सिट्यूशन शो करेगा किसी ना किसी हाइड्रोशन को रिप्लेस करके तो उस सब्सिट्यूशन रिएक्शन से पहले हमें मॉलिक्यूल को थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किस पोजीशन पर अटैच होगा ऑर्थो पर मेटा पर या पैरा पोजीशन पर और इन पोजिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना पड़ता है तभी तो हमें ये पता लगेगा कि ये मेटा डायरेक्टिंग है या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो जब हम इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेजोनेंस ऑब्जर्व होती है जिस रेजोनेंस की वजह से हमें ये पता है कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है यानी माइनस आर इफेक्ट शो करता है माइनस तो आर से हमें कुछ इस तरीके से रेजोनेंस मिलती है जिसमें हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर एक पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन है कि ये जो ऑर्थो और पैरा है इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करने का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर था वो डिक्रीज हो गया जिसकी वजह से अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इन पोजिशन पर जाने की कोशिश नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि तो उसे चाहिए एक ऐसी साइट जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट हो और इलेक्ट्रॉन रिच साइट का मतलब है कि उसे ऐसी साइट चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिले उसे ऐसा नहीं कि कहीं पॉजिटिव चार्ज और वहां जाके अटैक कर दे तो इलेक्ट्रोफाइल पर भी पॉजिटिव और साइट पर भी पॉजिटिव हो गया वो तो रिएक्शन ही नहीं होगी तो हम ऐसी साइट को ढूंढते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन रिच साइट हो तो तीनों आपकी साइड्स वैसे अगर हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे जनरली ऑब्जर्व करें तो हमें लगता है तीनों साइड्स बराबर है बट बर जब हम इसके अंदर इस तरीके से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ऑर्थो और, और पैरा पोजीशंस पर कभी ना कभी तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है जिस वजह से आपके पास जरूरी नहीं है हमेशा बट आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कभी ऑर्थो पर और कभी पैरा पोजिशन पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यूजल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम है बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर आपके जो मेटा मेटापोजीशन है उस पर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सो so, उस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि मेटा मेटापोजिशन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एसच रहती है ना तो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है उसके ऊपर थोड़ा बहुत इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर आता है बट रेजोनेंस हमें पता है डोमिनेट कर जाता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर तो रेजोनेटिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का रिडक्शन आपको ऑब्जर्व नहीं होता तो हम ये बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा एक डीएक्टिवेटिंग मॉलिक्यूल है क्योंकि वो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करता है हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स को बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स को बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स तो यहाँ पर हमारा जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है बिकॉज इट शोज द मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट फॉर एनी यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी बेंजोइक एसिड या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड की जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक के साथ इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होगी तो वो रिएक्शन आपकी मेटापोजिशन पर शो होगी जैसे फॉर एक्जाम्पल आपके पास यहाँ बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हो रही है सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री और कॉन्सेंट्रेटेड एस टू एसओ फोर से जिसमें हमें पता है यहाँ पर आपके पास एनओ टू पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो आपकी मेटा पोजिशन पर अटैक शो करेगा और यहाँ पर आपके पास मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है सिमिलरली आपके पास ये जो बेंजोइक एसिड है ये आपके ब्रोमीन के साथ रिएक्शन शो कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ अ ल्यूस एसिड इस ल्यूस एसिड का काम क्या है ये ल्यूस एसिड आपका यहाँ से इस एक बी आर नेगेटिव को रिमूव करेगा जिससे आपके पास ये जो हेलोजन है इसमें से इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होगी यानी आपके पास बी आर पॉजिटिव बनेगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल है जो आपकी रिएक्शन शो करेगा इसके साथ और हमें पता है मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट है तो यहाँ पर मेटा पोजिशन पर इसकी अटैचमेंट होगी और हमें मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन ऑब्जर्व होगी सो दिस इज हाउ यू विल ऑब्जर्व द दबस्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इन केस ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सलिक एसिड्स हमें बताया रीजन क्योंकि हमने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया रेजोनेंस की वजह से मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है तो अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा आप इजीली उसकी रिएक्शन को शो कर सकते हो हमने बहुत सारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देखिए यहाँ तो हमने दो ही एक्जाम्पल्स कंसिडर करें अगर कोई भी रिएजेंट ऐसा आता है जो को इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकता है तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर इन्हीं की तरह आपको ऑब्जर्व होगी सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिंग सब्सिट्यूशन रिएक्शन एंड विद दिस योर प्रॉपर्टीज फॉर कार्बॉक्सलिक एसिड इज कम्प्लीटेड जहाँ पर हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों को ही काफ़ी अच्छे से समझाएं अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बॉक्सलिक एसिड के यूज को कवर करेंगे सो आई होप आपको पूरी की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी सो इू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर चैनल थैंक यू